एक कहावत है कि आए थे हरि भजन को ऑटन लगे कपास, जो शायद इन स्कूली लड़कियों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ये छात्राएं घर से तो यहां सुनहरे भविष्य का सपना लेकर आई थीं, लेकिन शिक्षकों की मनमर्जी की वजह से यहां सफाई कर्मी बनकर रह गई हैं। स्कूल की साफ सफाई के साथ ही स्कूल की गोबर से लिपाई पुताई सिर्फ और सिर्फ इनकी ही जिम्मेदारी है। ये तस्वीरें हमीरपुर जिला मुख्यालय के ब्रह्मा के डेरा में स्थित प्राथमिक स्कूल की हैं। यहाँ पर आप अध्यापकों को शिक्षा देते भले ही ना देख पाए, लेकिन वो यहाँ पढ़ने आए बच्चों से साफ सफाई, झाड़ू पोछा और गोबर से लिपाई पुताई करवाते जरूर नजर आ जाएंगे। किसने कहा था ये? सर जी। कौन से सर जी ने? सर जी का नाम क्या है? श्री रणजीत सिंह। कब कहा था? परसों ही। परसों कहा था सर ने, तो आप लोग उनके कहने पे लीप रही हो? इस मामले में स्थानीय समाज सेवी अनवर कहते हैं कि स्कूल पढ़ाई के लिए है, ना कि सफाई कराने के लिए। इस मामले में अध्यापकों पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षक बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं यहाँ पर शिक्षा विभाग। क्या होना चाहिए इस तरह के अध्यापकों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अगर क्योंकि ज्यादातर प्राइमरी में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, अगर उनके भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ होगा कि पढ़ाई की जगह उनसे काम कराया जाए, तो उनका भविष्य क्या होगा? भारत का भविष्य कहते हैं बच्चों को। तो अगर जब बच्चों के साथ इस तरीके से उनको काम कराया जाएगा, उनसे लिपाई पुताई अगर कराई जाएगी जैसी जानकारी में आया है, तो ये तो बहुत गलत है। इसमें तो कार्रवाई होना चाहिए। जो लोग इस तरीके की का बच्चों से काम करा रहे हैं, गांव के बच्चे हैं ये लोग, और इनको पढ़ने के लिए, इनको शिक्षा के लिए भेजा जाता है। अगर यही इनकी शिक्षा मजबूत नहीं होगी तो आगे भारत का भविष्य कैसे बनेगा? उधर इस मामले की शिकायत जब बेसिक शिक्षा अधिकारी से की गई तो उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया। उसमें खंड शिक्षा अधिकारी से मेरे को भेजा गया था और फोटोग्राफ भी प्राप्त हुए थे, उसी के आधार पर उनका वेतन इस माह का रोक दिया गया है। जांच पूरी होने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की। किन किन विद्यालयों का कन्यापुर माध्यमिक विद्यालय सुमेरपुर का रोक है? और सर ये एक ब्रह्मा का डेरा का जाँच उसकी करवा रहे हैं, जैसे ही आ जाए तुरंत कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस तरह शिक्षक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, जब स्कूल में पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता नजर आता है। अगर सरकार ठीक से कार्रवाई करे तो शायद ऐसे मामले बिल्कुल रुक जाएं। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।